फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का हम पर भी बहुत करम है। तो आज मैं मार्केट आई हुई हूँ शॉपिंग के हवाले से। तो मैंने एक सूट पसंद किया है, ये वाला सूट, ये वो ही है, ये शर्ट, ये शलवार, ये दुपट्टा है। माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे प्यारे से यहाँ पर ड्रेस हैं और डिज़ाइन भी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कलर भी बहुत प्यारे हैं। तो आप लोग सब देख लें, जिसने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की है तो उसको आइडिया मिल जाएंगे कि किस तरह से उसे ड्रेस बाय करने हैं, और जिसने कर ली है तो वो भी देख लें। तो ये जैसे ये जो ऊपर ऑरेंज कलर का सूट है, ये वाला भी मुझे बड़ा पसंद आया है, ये वाला भी मैंने एक बाय किया है अपने लिए। लग तो माशाल्लाह से ये बराबर वाला भी बहुत प्यारा रहा था, लेकिन मेरे पास इस कलर का एक सूट था पहले से, तो इसलिए बस मार्केट से हम लोग जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि हम लोग मार्केट गए ही बहुत देर से थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रोज़ा घर पे खोला, और उसके बाद फिर हम लोग वो एज़ यूज़ुअल जो हम लोग आप मेरे ज़्यादातर ब्लॉग में देखते होंगे कि हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बाय करते हैं, तो बच्चों की फरमाइश होती है, तो बस वही पिज़्ज़ा लेने के लिए आए थे यहाँ पर। डाइनिंग एरिया तो बंद है, तो हम लोग बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि 15 मिनट 10 मिनट देखें जितनी देर में ये बनता है। तो इतनी देर हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, अभी तकरीबन जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, तो बस मेरी रूटीन, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ना सहरी में घर पर हो रहे हैं, ना मतलब ना इफ्तार घर पे कर रहे हैं ना सहरी कर रहे हैं, तो मैं अकेले ही होती हूँ, अकेले ही सहरी और अकेले ही इफ्तार करती हूँ। तो इसलिए फिर मेरी कोई ऐसी ख़ास दोनों चीज़ों की कोई ऐसी ख़ास तैयारियाँ भी नहीं होती, तो मेरी कोई रूटीन इतनी ख़ास होती नहीं है। बस सारा दिन बस मैं जो नमाज़ वग़ैरह या कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने में रहती हूँ या बच्चों के उसमें ही रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैं यही सोचती हूँ कि क्या अपलोड करूँ, तो इस वजह से मेरे आजकल व्लॉग नहीं आ रहे। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से कितना रश है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा की शॉप के बराबर में जो एक और शॉप है वहाँ, वो भी आई थिंक फूड की है, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह से वहाँ पर सिटिंग एरिया बाहर है, तो वो डाइनिंग एरिया बन नहीं हुआ है, तो बस वहाँ पे तो चल रहा है माशाल्लाह से, उसकी वजह से इतनी रौनक है ये फूड स्ट्रीट के रोड पर ना, इस पर बहुत माशाल्लाह से रौनक है। तो बस अब हम लोग का मतलब टाइम हो गया है पिज़्ज़ा लेने का, तो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पिज़्ज़ा तैयार हुआ है या नहीं हुआ। तो अब हम लोग अंदर गए हैं, सारिम साहब धक्का दे रहे हैं, उनसे दरवाज़ा खुला नहीं, तो बस अब हम लोग अंदर गए हैं। सारिम कह रहे हैं मैं लूँगा मम्मा, तो वो बस आजकल हर चीज़ में उनको लगी रहती है कि मैं ही कर लूँ, तो वो पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं और थोड़ा गर्म हो रहा है तो कह रहे थे, तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं पर बाहर भी खा लेते हैं, क्योंकि घर तक जाने में वही कि ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, तो इस वजह से यहीं पर हमने सोचा कि खा लेते हैं, और बच्चे भी ज़रा आपको पता ही ना बेसब्रे हो जाते हैं फ़ौरन से। बस अब हम लोग अब पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं, आप लोग जब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली व्लॉग आप तक पहुंचते रहे।